माय चैनल साइंस स्किल। पिछले यानी हम लोग चल रहे थे रीजनिंग के क्लॉक वाले चैप्टर में, पार्ट वन को डिस्कस किया था। अब पार्ट वन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा एक मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे पे मिलेंगी या संपाती होंगी तो कौन कौन सा केस बनेगा, जब दोनों सुइयां विपरीत होगी तो थीटा कितने डिग्री का होगा, समय लैप्स कितने का होगा, जब दोनों सुइयां समकोण बनाएगी तब क्या क्या चीजें होंगी, तो इतने सारे डिस्कस किए थे हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन है कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेगी। एक क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। तो देखिए मिलेंगी वाले पे हम लोग डिस्कस किया था कि मिलेगी रहेगा, इसका मतलब है क्या, ओवरलैप करने वाला केस, यानी कि ओवरलैप करता है तो थीटा हमेशा कितना डिग्री, थीटा हमेशा 0 डिग्री। और दूसरा केस क्या था कि विपरीत वाले केस, तो थीटा हमेशा कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वो बेस्ट फार्मूला है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फार्मूला क्या है, फार्मूला बदल दीजिए देते हैं, यहाँ m क्या है, तो m है मिनट बताता है, और t1 क्या है, तो प्राथमिक समय, प्राथमिक टाइम बताया, और थीटा क्या है, कोण है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच, यानी कि 2 से 3 बजे के बीच जब से पूछा जा रहा है 2 से 3 बजे के बीच, तो ए मेरा काम करेगा T1 का, तो जो पहले टाइम दिया रहेगा उसको समझना है। T1 के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो कब मिलेंगी का मतलब थीटा कितना दोस्त, थीटा 0 डिग्री। अगर यही पूछता कि कब विपरीत होगी तो थीटा का मतलब क्या समझते हैं, थीटा 180 डिग्री। और अगर सवाल आता कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण पर मिलेंगी, तो थीटा हम लोग कितना लेते हैं, 0 डिग्री। तो ये लैंग्वेज दी हुई रहेगी, तो इससे आपको ये बातें समझ जाना होगा कि थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री। अब ये मिनट बताता है, जो कि यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है m = 2/11। इस फार्मूला को यूज करते हैं कब होगा, तो m = 2/11 × t1 का मतलब 2 × 30 ± 0, क्यों, क्योंकि कब मिलेगी सवाल था, तो हम लोग यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ 2/11 × 60, और चाहे 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 60 × 120 / और इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 × 11 और 11 × 110, यानी कि 10 सही 10/11। यानी कि ये क्या बताया, तो ये मिनट बताया ना दोस्त। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों कब मिलेगी, तो हमेशा इसको 2 से 3 बजे के बीच में अगर हम बोलेंगे कि 2 से 3 बजे के बीच आप कब घर गए, तो आप क्या बताएंगे कि 2 बजकर कुछ मिनट में घर गए, या फिर बोल सकते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच में कब क्लास की घंटी लगती है, तो आप क्या बताते हो 2 बजकर 15 मिनट में घंटी लग जाती है। तो इसका मतलब आप जो बताते हो वो पहले वाले टाइम को लेकर ही बताते हो ना। तो सिंपल थिंग सवाल बोला जा रहा था कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो आपको मिनट तो पता हो गया है, तो इसको आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे 2 बजकर 10 पूर्णांक या 10 सही 10/11 में वो दोनों सुइयां मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसको अंतर करते हैं। दोनों सुइयां कब मिलेंगी किस जगह पे हम लोग करते हैं, दोनों सुइयां कब विपरीत होगी, कब विपरीत होगी। तो जब कब विपरीत होगी तो हम लोग तो वही बताएंगे, ये मेरा T1 बना और थीटा की जगह पे क्या 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ विपरीत का केस है, तो विपरीत हमेशा थीटा = 180 डिग्री होती है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कोई सा भी सवाल रहे इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, m = 2/11 × t1 × 30 ± थीटा।
तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बोला जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच, तो हम लोग मिनट निकालेंगे क्या होगा 2/11 इनटू 2 इनटू t1 का मतलब t1 इनटू 30 t1 इज इक्वल टू 2 इनटू 30 प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब समझना होगा, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, तो यहां पे अगर ये थीटा इधर से प्लस होता है और इधर से माइनस होता है, लेकिन अगर 180 डिग्री का केस है तो 180 डिग्री तो सिंपल एक लाइन होती है। अगर ये इससे हम बोलें कि इधर से प्लस में है या फिर बोल सकते हैं इधर से माइनस में है, तो दोनों बातें सेम सेम होती है। हम बोलेंगे कि आप यहां से 180 डिग्री राइट बोलो, तो 180 डिग्री राइट, यानी कि अगर हम लोग ये एक पेन है, हम इसको बोलेंगे कि 180 डिग्री नीचे घुमाओ, 180 डिग्री नीचे घुमा दिए। अब हम लोग अगर बोलेंगे कि नहीं, या फिर बोल सकते हैं इसको राइट घुमाओ, 180 डिग्री से इसको राइट घुमाओ, तो राइट घुमा दिया। अब यही सवाल तो रहता कि 180 डिग्री से पीछे घुमाओ यानी कि लेफ्ट घुमाओ, तो लेफ्ट घुमा देना, तो दोनों पोजीशन तो सेम ही हुआ ना। तो 180 डिग्री में चाहे आप प्लस लो चाहे माइनस लो, दोनों बातें सेम है, इसलिए हमेशा विपरीत वाले में प्लस वैल्यू यूज करना है, विपरीत वाले में प्लस यूज करना है। तो यहां से क्या बना 2/11 × 60 + 180 और 2/11 इसको अगर जोड़ेंगे तो 240, और 240 को 2 से गुणा करेंगे तो 480 बताइए 11 और 1144 4 0 11 33 7 बताइए 11 यानी कि इतना मिनट, तो कितना बजकर कितना मिनट में विपरीत होगी, तो 2:43:07 या फिर बोल सकते हैं इतना बजकर इतना मिनट में विपरीत होता है। आप अगर चेक करना हो तो आप बिल्कुल आप घड़ी को लो और 2:43 बजाओ, वो दोनों सुइयां विपरीत हो जाएगी। 2:43 इतना अगर करोगे तो बिल्कुल दोनों सुइयां विपरीत होगी। तो 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होगी, तो 2:43 आप चेक करने के लिए किसी भी घड़ी में बजा सकते हो, दोनों विपरीत होगी। अब यहाँ पे सवाल दूसरा चेंज करते हैं, सब एक ही फॉर्मूले से यूज हो जाएगी, ये फॉर्मूले को रट जाइए, m = 2/11 × t1 × 30 + -60। अब सवाल अगला चेंज होता है कि कब समकोण बनाएंगे, कब समकोण बनाएंगे, कब समकोण बनाएंगे, तो समकोण वाले में हम लोग तो जानते हैं कि यहां लेना है यूज करना है 90 डिग्री और t1 हमेशा अगर यहां 3 से 4 रहता या 4 से 5 रहता तो ये वाला T1 हो जाता, जो पहले वाला टाइम है। T1 क्या है, तो प्राथमिक समय, यानी कि जो पहले आएगा, अगर 12 से 1 बजे के बीच रहता तो ये वाला T1 हो जाता। तो सिंपल वे, यहाँ T1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हमको समकोण है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम लोग को मिनट याद करना है, तो 2/11 × t1 × 30 + -θ। अब रावती फॉर्मूले को आप जितना ज्यादा सवालों में यूज करेंगे, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार चीजें रिपीट होगी, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, फिर चीजें याद करना नहीं फिर याद हो जाएगा। तो m = 2/11 × t1 × 2 × 30 + -θ, थीटा क्या यूज करना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्लस यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक ये मेरा है मार्कर देंगे, समझिएगा, अगर इसको हम बोलेंगे कि 90 डिग्री राइट जाओ तो 90 डिग्री राइट ऐसे जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि 90 डिग्री लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट इससे जाएगा, यानी कि इसका पोजीशन और इसका पोजीशन दोनों अलग अलग पोजीशन था, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि दोनों बातें सेम है। लेकिन इसके पिछले वाले 180 डिग्री वाले में इसलिए सेम हो रहा था क्योंकि अगर ये खड़ा है, हम इसको बोलेंगे कि 180 डिग्री से राइट जाओ तो राइट ऐसे जाएगा, और अगर इसी को बोलेंगे कि 180 डिग्री से लेफ्ट जाओ, यानी कि दोनों एक ही पोजीशन में, लेकिन 90 डिग्री वाले केस में दोनों एक ही पोजीशन नहीं है, एक इधर और एक इधर, दोनों एक हम लोग नहीं बोल सकते, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस भी यूज करेंगे और माइनस भी यूज करेंगे, और फिर देखेंगे कि चीजें कैसे हो रही है। लाइट की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा लाइट को अच्छे करना है। हाँ देखिएगा, लाइट थोड़ा सा भी कटी हुई है लाइट, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, उतनी भी नहीं है। तो इसको हम लोग अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो दो पार्ट में कौन कौन से टूटी, पहला टूटी 2/11 × 2 अब क्लियर आ जाएगी, लाइट का कनेक्शन कटते रहती है तो वैसी व्यवस्था नहीं है।
तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिएगा 2/11 इंटू 3 इंटू 360 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस यूज करते हैं प्लस 90 और दूसरे वाले में यूज करते हैं माइनस को, तो क्या बनेगा 2/11 इंटू 60 माइनस 90। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2/11 इंटू 96 यानी कि 15 और 15 × 300/11 इसको बोल सकते हैं कितना मिनट हुआ, तो ये बता रहा है 300/11 का मतलब 11 × 22 और 8 × 11 = 77 3/11 इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11 = −30 और ये बन गया −60/11 और ये 60 − 90 − 30 − 60/11 और ये कितना हुआ 2/11 तो −11 = 55 और 5/60। देखिए हम लोग को दो आंसर आ चुका है भले ही भाई यहाँ पे प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे, लेकिन एक बात देख पा रहे हैं कि अगर 2 से 3 बजे के बीच कब होगा तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में होगा आंसर। पहला आंसर होगा 2:27 3/11 और दूसरा होगा ये देखिए माइनस में है तो ये माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि 12 से पीछे, यानी कि 12 से पीछे का मतलब ये हुआ कि 5 मिनट और पीछे चले जा रहे हैं, तो 5 मिनट पीछे जाएंगे तो वो कितना बजेगा, फिर से लाइट कटिंग दिख रही है क्या, फ्रेश क्लियर नहीं दिख रही है,